ओम शांति। मंच पर विराजमान मेरे अति स्नेही सम्माननीय भाई बहने और सामने सभा में बैठे हुए, ऐसा ही कहें विश्व को जागृत करने वाले आत्मिक शक्ति किस प्रकार से बढ़े, वास्तव में जो मन की भावना है कि राम राज आए, विषय चल रहा है दिशा दिखाने की, तो बराबर हम कहते हैं राम राज आएगा और आना है जरूर, और लाना है हमको ही लाना है। हम ही राम राजवासी थे, यथा राजा तथा प्रजा, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसो नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। स्वधर्म क्या है, सत धर्म क्या है, हम भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे संस्कारों में स्वधर्म की छाप लगी हुई है, अथवा ये कहें कि सत धर्म की स्थापना करने का प्रैक्टिकल में कार्य भारत क्या क्या कहलाता था। भारत स्वर्ग कहलाता था, सुख धाम कहलाता था, वैकुंठ कहलाता था, पुण्य भूमि कहलाता था, और भूमि वही है, और उसी भूमि पर रहने वाली मनुष्यात्मा भी इसी सृष्टि पर है। तो ऐसी सृष्टि जिसमें फिर से वही हमारी वृत्ति में क्या हो, हमारी दृष्टि में क्या हो, हमारे संस्कारों में वो कर्तव्य आए कैसे, सचमुच अगर देखा जाए तो राज किनको करना है। राज करना कोई दूसरे पर राज करने की बात नहीं, पर पहले स्वयं पर स्वराज्य करना है। किसी भी चीज को लाने के लिए, जैसे आपने सुना कि वास्तव में संस्कार तो आत्मा में ही है ना, और आत्मा है क्या, जब तक मैंने अपने आप को आत्मा निश्चय नहीं किया, विचार व्यवहार संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे। आपने आज सवेरे सुना परिभाषा अथवा आत्मा है क्या, हम चैतन्य शक्ति हैं, चैतन्य आत्माएं सृष्टि पर राज करने वाली हैं, आने वाली पीढ़ियां भी इसी दुनिया पर राज करेंगी। राज्य था और फिर से वो राज आना है जरूर, तो पहले तो ये समझना है कि हम सच में जल्दी जल्दी लाए या डिले करें राम राज को लाने की, हम अपने जीवन से कैसे प्रैक्टिकल में अपनाएं और वो दिशा अपने आप को दिखाएं। पहले दूसरे को दिशा दिखाने से पहले हर एक आत्मा को, इंडिविजुअल को, अपने आप को दिशा दिखानी है। और ये हिस्ट्री है उस समय की, क्योंकि हमारे भारत में ही ऐसा राजा हुआ जिसने अपने बाप को कैद में रख दिया, भाइयों को कत्ल कर करके सिर सामने लेके आया कि कैसा, कि अब तो मेरा तेरे लिए कोई राज करने वाला नहीं है, मुझे राज चाहिए। जब ऐसा समाज हो प्रजा कैसी होगी। तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर रचना रची है कि हमारे भारत की सभ्यता क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत में देव राज कैसा था, दिव्यता का राज कैसा था। तीसरी शक्ति फिर है व्यर्थ संकल्प मन मंत्र
दूसरे की उन्नति को देख करके, उन्नति नहीं चाहिए, स्वार्थ चाहिए, तो क्वेश्चन उठाएगी, क्यों, क्या कही, किसने कही, कब कही, क्या कही बन गई। मन और जब ये क्वेश्चन मार्क आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं, स्वार्थ का जब भाव आत्मा में आ गया, तो फिर राम को ही राज मिला, पर नुकसान क्या हो गया, 14 साल राज डिले हो गया। किसने डिले किया, मंत्र और कहीं नहीं। तो इसीलिए अगर राम राज लाना है तो अपने आप को समझाना है कि मुझे फिर से यह राज कैसे स्थापन करना है। परिस्थिति आएगी, विघ्न आएंगे, विश्वामित्र ने यज्ञ रचा, मारीच सुबाहु ने विघ्न डाले, अनेक प्रकार की ताड़का अथवा स्वरूप नखाया आई, विघ्न तो आएंगे, परंतु सत्यता क्या है, आत्मिक बल क्या चीज है। विघ्न आए परंतु आग बुझाने वाले बने, रावण की लंका को आग लगाए दी, किसने मदद की, मनुष्यात्माओं ने तुमसे मदद की। पत्थर पर नाम लिखा, पत्थर तर गया, क्या मतलब है। तो जो बातें हमारे भारत की सभ्यता में, संस्कृति में है, उसके महत्व को समझ लिया, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं राम राज्य स्थापन करने आया हूं। तो इसीलिए फिर से भारत पर, सृष्टि पर राम राज होगा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज होगा। आज पूर्णमासी का दिन है, तो ऐसे पूर्णमासी के दिन श्री लक्ष्मी नारायण का राज लाएं, नारी लक्ष्मी बने, पुरुष नारायण बने। अगर हमको भारत को स्वर्ग बनाना है, घर घर को जंगल नहीं बनाना है, तो पहली बात है मन को बनाए मंदिर, मन को मंदिर बनाए, मन के अंदर मंत्र को समझाएं, विचारों को स्वच्छ, सतो प्रधान, कल्याणकारी, सुखदायी, दुखहर्ता बनाए, दाता बने, देवता बने। आपने स्वस्तिका का भाव समझा, तो वास्तव में स्वस्तिका, स्व मीन्स सेल्फ, अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है।